हाय फ्रेंड्स, दिस इज देवी प्रसाद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। बहुत ज़्यादा स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। आप हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, लीजिए मैं एक नया एपिसोड लेते हुए आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। और मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, हम लोग रेगुलरली सीखेंगे और एक कंसिस्टेंट प्रोसेस में सीखेंगे, तो इसीलिए मैं हाजिर हो गया आप सभी के सामने। नाउ दिस इज अ टाइम वेयर वी लर्न एंड डिवोट सम टाइम फॉर सिंगिंग, करेक्ट। सो चलिए कुछ प्रेशियस टाइम हम निकालते हैं। मैं हाजिर हूँ एंड आई एज्यूम सब लोग अभी देख रहे हैं इस चैनल को और प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी बात को लेते हुए लाइव सिंगिंग का और एक सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लाइव सिंगिंग हमें हर वक्त करते रहना है, सो दैट गाना गाने में और समझ आने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो ये एक इजी और सिंपल प्रोसेस है। आपको लाइव सिंगिंग हर वक्त करते रहना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले आप कुछ गाने प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो आपको अपने चैनल पर प्रैक्टिस करवाता ही हूँ, उसी गानों का आप ले सकते हो, नहीं तो आपको जो पसंद है आप भी वो कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का शुरुआत करते हैं या आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में मैंने एक बहुत सोलफुल सॉन्ग लिया है। तो सोनू निगम जी ने ये गाना गाया था, ठीक है। आई होप एवरीबडी लव्ड इट, एवरीबडी लव्स दिस सॉन्ग, ओके। अभी भी ये सबके दिलों में है। तो गाने का नाम है तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं, किसी जबा में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिन में तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। ये गाना है दोस्तों, आज के सेशन के लिए मैंने ये गाना सिलेक्ट किया है। तो अभी मेरे जहन में ये गाना आया तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और आपको परफॉर्म करके दिखाया जाए, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए अभी गाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक द सॉन्ग माई एफर्ट, प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइव सिंगिंग के इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, ठीक है। मैं जैसे बढ़ा रहा हूँ आप भी बढ़ाइए और अच्छा कम्युनिटी बनाने के लिए हमें मदद कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जबा में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिन में तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हसी, कायनात में ना होगी कहीं तारीफ, ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जबा में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिन में तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कोई तारीफ, ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, सुखियों में डूबी अदाएं सान से झलकी हुई है, जुल्फ की घनी घनी घटाएं सान से ढलकी हुई है, लहराता आंचल है जैसे बादल, बाहों की पनाहों में ये जैसे तो
रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी, अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जबा में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिन में तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हसी, कायनात में नहीं है कोई, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने ये गाना सीखा है। तो दोस्तों हम जब सीख रहे हैं कुछ प्रोसेस में गलतियां रहेंगी, फिर हमें उसे सुधारना होगा। मुझे पता नहीं है, मैं भी कहीं पे गलती कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था, एक लाइव सिंगिंग प्रोग्राम है और हमें गलतियां नहीं करना है, बट गलतियां होंगी तो हमें उसे सुधारना भी है, सीखना भी है, और उसे अच्छा और बेहतर कैसे बनाया जा सके हमें ये भी एक प्रोसेस में डालना होगा। तो इसीलिए लाइव सिंगिंग में बहुत सारी चीज आप फील करेंगे, फिर आप इम्प्रोवाइज करेंगे, फिर उसको एक नए दिशा देंगे अपने वॉइस के हिसाब से, अपने सिंगिंग के क्रेडिबिलिटी के हिसाब से। सो लर्निंग बिकम्स द अटमोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो लर्निंग एक बहुत अच्छा नीड होगा हमारे लिए इस लाइव सिंगिंग सेशन में। तो जब मैं गा रहा हूं आप भी इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए और कंटिन्यूस प्रोसेस में रहिए, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप कंटिन्यूस प्रोसेस में रहिए। सो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रंग लाएगा, ठीक है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, इट विल मेक सेंस फॉर यू और इट विल पे ऑफ, ठीक है। सो दोस्तों आप इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है और ये गाना बहुत ही सोलफुल सॉन्ग है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज प्रैक्टिस करें और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मैं किसी और गाने के लिए प्रैक्टिस करूंगा अभी। आप लोग अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग मी एंड हैप्पी सिंगिंग। अच्छे से गाइए, एक अच्छा माहौल बनाइए। चलिए दोस्तों मैं फिर से किसी और नए एपिसोड में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।